और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी की सियासी रणभूमि में आज सीएम योगी भी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। आज सीएम योगी जहां गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, वहीं सीएम आज यहां मोहद्दीपुर गुरुद्वारे में भी सुबह 9 बजे से 10 बजे तक सिख समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे। पूरब को साधने के बाद सीएम योगी पश्चिम को साधने के लिए रवाना होंगे। सीएम आज मुजफ्फरनगर और शामली का दौरा करेंगे। सीएम शामली और थाना भवन में जनसभा करेंगे। उसके बाद वे मुजफ्फरनगर में चरथावल और पुरकाजी विधानसभा में भी सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि पश्चिम की 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होने जा रहा है और इन सीटों में शामली और मुजफ्फरनगर भी शामिल है। तो आज भी सीएम योगी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। डोर टू डोर चुनाव प्रचार होगा और साथ ही आज गोरखपुर में जब डोर टू डोर प्रचार होगा तो लोगों का समर्थन उन्हें कैसा मिलता है ये भी देखना होगा। शामली और मुजफ्फरनगर का दौरा भी इसमें शामिल है। तो जहां 4 दिनों का प्रवास है गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का, आज शामली और मुजफ्फरनगर का भी उनका दौरा है। शामली के जिला अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे। निरीक्षण के बाद सीएम योगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसके अलावा मतदाता संवाद कार्यक्रम में भी वे हिस्सा लेंगे। वे वीवी इंटर कॉलेज शामली में एक संवाद भी करेंगे। तो ये कुछ कार्यक्रम है आज सीएम योगी आदित्यनाथ के, जहां कल ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और अब वे चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। और चलिए आपको शामली जिले का इतिहास भी बताते हैं किस वजह से ये बेहद खास है। शामली जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पर सभी की निगाह है, जहां कैराना, शामली और थाना भवन ये महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर चुनाव प्रचार किया जाएगा। 2017 में भाजपा ने शामली और थाना भवन की सीटों को अपने खाते में किया था, ये सीटें जीती थी। कैराना में सपा के नाहिद हसन जीते थे, ये एक सीट थी जो रह गई थी। यहां 2012 में 2 सीट भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के हाथ आई थी, कांग्रेस ने 1 सीट यहां से निकाली थी। शामली जिले में तो 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार कोशिश बीजेपी की है कि इन 3 सीटों पर ही वो अपना कब्जा करें। और 2017 के ये हमने आपको नतीजे बताए हैं। इन नतीजों को अब सभी पार्टियां अपने हक में करने का प्रयास करेंगी, लेकिन देखना होगा कि कौन शामली की ये जो जंग है इसे जीतता है। तो शामली के 2017 के नतीजे आपको बता रहे हैं, भाजपा के तेजेंद्र निर्वाल जीते थे यहां से। और इसके अलावा शामली में तेजेंद्र निर्वाल को 70,000 वोट मिले थे, 70,000 वोट लेकर उन्होंने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के विधायक पंकज मलिक को उन्होंने हराया था, 40,000 वोट महज पंकज मलिक को मिले थे 2017 में शामली की सीट से। पंकज मलिक अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी को यहां से वे मजबूत कर रही हैं। रालोद तीसरे नंबर पर रही थी और रालोद के जो प्रत्याशी थे उन्हें 33,000 वोट मिले थे। तो 2017 के ये नतीजे आपको बता रहे हैं शामली सीट के। और इस बार जहां नतीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, थाना भवन की सीट का इतिहास क्या है ये जान लीजिए। गन्ना मंत्री सुरेश राणा की ये सीट है। 2012 और 17 में सुरेश राणा ही यहां से जीते थे, उन्होंने ही यहां जीत हासिल की थी। 2007 में रालोद की यहां पर जीत हुई थी। थाना भवन की जानकारी आपको दे रहे हैं, 1996 और 2002 में समाजवादी पार्टी ने इस सीट को जीता था। बसपा का यहां से खाता भी अभी तक नहीं खुला है और बसपा भी इस प्रयास में है कि यहां जीत हासिल जरूर की जाए। तो गन्ना मंत्री सुरेश राणा की ये सीट है और इस बार भी क्या वही अपनी जीत को जारी रखते हैं ये देखना होगा। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं शामली से। हमारे संवाददाता सनोज शर्मा अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनोज, बताएं कि इस बार क्या ये जो बीजेपी का एक वर्चस्व लगातार रहा है इस सीट पर, क्या इस बार भी ये कायम रहेगा या फिर कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, तमाम कोशिशें की जा रही हैं बीजेपी की तरफ से कि शामली की जो 3 सीटें हैं उन 3 सीटों पर कब्जा कर लिया जाए। 2017 की बात करें तो 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। हमें ये बात समझनी होगी कि देखिए, शामली जिला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ की जो कैराना विधानसभा सीट है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा हॉट सीट है। पूरे देश की नजरें उस पर टिकी है, पूरे यूपी की नजरें उस पर टिकी हुई है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि कैराना महत्वपूर्ण किस लिए है। चूंकि कैराना जो विधानसभा सीट है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2 दिग्गज राजनीतिक परिवारों की जो विरासत है उसकी सियासत यहाँ पर चल रही है, उसको संभालने की पूरी तरीके से आपस में जंग है। एक तरफ मुनव्वर हसन परिवार जिससे नाहिद हसन आते हैं वो है, और दूसरी तरफ बाबू हुकुम सिंह बड़े दिग्गज नेता रहे हैं वो आते हैं, उनकी बेटी मृगांका सिंह है।
थोड़ा सा बाबू हुकुम सिंह के बारे में बताना चाहूंगा कि देखिए सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, इलाके के कद्दावर नेता हैं और इस इलाके की पूरी राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द एक तरीके से घूमती थी और दूसरी राजनीति मुनव्वर हसन के परिवार की तरफ। तो बाबू हुकुम सिंह है, उनकी बेटी मृगांका सिंह इस बार चुनाव मैदान में है, तमाम ताकत झोंकी जा रही है। अमित शाह ने यहां से अपने चुनावी अभियान की शुरू की है और आज मुख्यमंत्री भी यहां पर शामली आ रहे हैं, थाना भवन जाएंगे। अब दूसरे परिवार की बात करता हूं, दूसरा परिवार है मुनव्वर हसन का परिवार। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए मुनव्वर हसन ऐसे नेता थे जो सबसे कम उम्र में चारों सदनों के सदस्य रहे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, सबसे कम उम्र में थे, सांसद रहे, विधायक रहे और उसके बाद जो नाहिद हसन है, नाहिद हसन चूंकि एक मामले में जेल में चले गए हैं तो जो उनकी बहन है वो यहाँ पर इकरा वो लंदन से यहाँ पर लौटी है और अपने भाई के लिए प्रचार कर रही है, पूरी ताकत झोंक रही है, रात दिन एक किए हुए हैं। उधर मृगांका सिंह भी पूरी ताकत झोंक रही है, सबसे ज्यादा हॉट सीट है चूंकि दो राजनीतिक घराने आमने सामने हैं, जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये तो बाद में तय होगा, इसी का ही इंतजार है क्योंकि चुनाव प्रचार में दोनों ही पक्ष कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं और ऐसे में नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए।